तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 से 6 और 12 से 14 तक। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घ आयु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हे पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वार्थ की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी, वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे तुम जीवन भर यरूशलम का कुशल मंगल देख पाओ। अनुवाक्य। धन्य है वे सब जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। दूसरा पाठ क्लोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 से 21 तक। प्रभु की इच्छा के अनुसार घरेलू जीवन। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परमप्रिय चुनी हुई प्रजा हैं, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा किया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और
उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु येसु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है, पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें, पति अपनी पत्नियों को प्यार करें और उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा मानें, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिझाया नहीं करें, कहीं ऐसा न हो कि उनका दिल टूट जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, आलेलुया। अनुवाक्य, आलेलुया। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज करे। मसीह की शिक्षा अपनी पूर्णता में आप लोगों में निवास करे। अनुवाक्य, आलेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 2 पद संख्या 22 से 40। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तब वे प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गई। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के दो बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इसराइल की संतावना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए, तो सिमियोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आँखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदिया के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इसराइल का गौरव। बालक के संबंध में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से ये कहा, देखिए, इस बालक के कारण इसराइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। ये एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं, और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।